से अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने का। जैसे कि आप जानते हैं, वैलेंटाइन डे के बाद अब चला है एंटी वैलेंटाइन डे वीक, जिसमें आज है कन्फेशन डे। जी हाँ, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए फिर भी बता देते हैं, आज है इकबाल ए बयान दिन, यानी जो भी किया है सब बता दो, क्योंकि आज सब माफ है। अगर रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर से वो कह दो जो उसे ना बताया हो आपने, और अगर सिंगल हो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कन्फेशन कर लो। भाई, गलती करके मान लेने में ही भलाई है, इससे पहले कि आपके रिश्ते में दरार आ जाए। यानी सीधी सी बात है, इस दिन खुद ईमानदार बन जाएं, ताकि ये दिन का मतलब सफल हो जाए। अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर अपने नए रिश्ते की शुरुआत करें। इससे क्या होगा कि आपका भी मन हल्का हो जाएगा और आपका रिश्ता भी बने रहेगा। किसी के सामने अपनी फीलिंग्स और गलती को मानना वाकई बहुत कठिन होता है, लेकिन अब जितना भी कठिन हो आप तो मान ही लीजिए और जो भी मन में है सब बोल दीजिए। रिलेशनशिप का तो कह नहीं सकते, लेकिन अपनी दोस्ती को लंबा ले जाना है तो आपको ये जरूर करना है कि आप अपनी बात उसके सामने जाकर बोल दें। अगर अब तक किसी लड़की को आपने दिल का हाल नहीं बताया है तो उसे भी बता दें, क्या पता मान जाए शायद। वैसे ही अगर आपको किसी लड़के को कुछ कहना है तो उसे भी बोल डालो, क्योंकि आज है कन्फेशन डे। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट।